नमस्कार दोस्तों, मेरी नाम भारती। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब प्रसन्नचित होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे ही हमारे सुख समृद्धि के आधार होते हैं। देखिए, आज मैं आपको एक बेहद खूबसूरत, और देखिए आप समझ भी गए होंगे जो इस पौधे से परिचित हैं, और जो मेरे दोस्त नए हैं गार्डनिंग में, गार्डनिंग के जो शौक रखने वाले नए लोग हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, इसे कहते हैं पर्पल हार्ट। कितना सुंदर रंग है इसका, एकदम पर्पल कलर, और अगर आप इसे देखेंगे तो अंदर से थोड़ा ये हरा भी दिख रहा है। दोस्तों, इसका कारण ये है कि काफ़ी लंबे समय से धूप में था, इसलिए ये ऊपर से जो है ऐसा हरा है। वैसे ये पर्पल, अगर आप इसे छांव में रखेंगे तो ये पूरा पर्पल हो जाता है, और इसकी एक वैरायटी होती है जो एकदम से ही अंदर बाहर दोनों तरफ से वो इसी पर्पल रंग की दिखती है। इसे कहते हैं पर्पल हार्ट या पर्पल क्वीन। तो आज मैं इसको बताऊंगी कि आप इस पौधे को दो तरीके से बड़ी आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। एक तो आप इसे लगा सकते हैं पानी के अंदर, जैसे आप मनी प्लांट लगाते हैं, उसी तरह से इसका एक छोटा सा जो स्टेम है वो ले लीजिए, और पानी की बॉटल में आप डाल देंगे तो वो पानी में रूट्स पकड़ लेता है। दूसरा इसका तरीका है, इसे सॉइल में हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सॉइल के बारे में बताती हूँ। इसमें ये गार्डन सॉइल और जो है कंपोस्ट मिली हुई सॉइल जो है वो ही चलती है, और कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं होती। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये गार्डन में अगर आप हैंगिंग बास्केट के रूप में इस पौधे को लगाते हैं ये बहुत अच्छा चलता है। उसके लिए आपको मैं बताऊं, आप इसे कोकोपिट में चलाइए, थोड़ा सा इसमें गार्डन सॉइल डाल दीजिए, बाकी कोकोपिट डाल देंगे तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी बास्केट जो होगी वो लाइट होगी। तो कोकोपिट का इस्तेमाल अपनी हैंगिंग बास्केट के लिए कर सकते हैं, और बाकी सिंपल मिट्टी और इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। अब इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे इसकी जो ब्रांचेस आपको चारों तरफ दिख रही हैं, बस इसमें से एक छोटी सी ब्रांच ले लीजिए, जैसे ये है, और इसके चारों तरफ के थोड़े से पत्ते आप हटा दीजिए इस तरह से, और इसको अपने गमले के अंदर, गमले के स्टाइल आपका जितना है, छोटा है बड़ा है, उसी हिसाब से आप इसे इसमें लगा दीजिए। जैसे ये एक छोटा पॉट आप देख रहे हैं, तो इसके लिए आप इतना रख लीजिए, इसको इसमें जो है लगा दीजिए, और ये इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से इसमें इसको इस तरह से आप लगाते जाइए। मिट्टी और खाद आप मिला के रख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपना पॉट पहले से तैयार करके रख लीजिए और इस तरह से आप इसे लगा दीजिए। अगर आपको बहुत सारे पौधे छोटे छोटे तैयार करने और फिर दूसरे गमलों में लगाना है तो वो भी बहुत आसान है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह की बिल्कुल छोटा सा इसका पत्ता ले लीजिए, और उसमें से इसके साइड के ये पत्ते निकाल के दो पत्ते छोड़ दीजिए, और देखिए इसको फिर अपना इस पॉट में इसको लगा दीजिए इस तरह से। और इसमें आप जो है ना, इतने छोटे से पॉट के अंदर आप 3-4 पौधे तो है आराम से तैयार कर सकते हैं, और फिर उन्हें आप किसी बड़े पॉट में लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें लगा दीजिए अपने 3-4 जो छोटे छोटे से टहनी है, बस कुछ भी नहीं इसमें लेना है, ये टहनी लेनी है और इसके अंदर इसको लगा दीजिए। ये देखिए, तो देखिए ये इस तरह से लगा दीजिए, और थोड़ा थोड़ा इसमें जो है पानी डाल दीजिए अपने गमलों के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गमला बुशी बने, जो बहुत ज़्यादा जो है भरा हुआ रहे, झाड़ की तरह दिखे, तो आप क्या करें, इसकी काफ़ी सारी टहनियाँ ले लें छोटी छोटी, और अपने गमले में ज़्यादा लगा दें। जैसे मैंने इस गमले के अंदर ज़्यादा टहनियाँ लगाई हैं, जिससे ये मेरा जो है बहुत सुंदर दिख रहा है पॉट। तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। पानी में लगाना चाहते हैं तो पानी में लगा दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि अपने पॉट में लगाएं तो इस तरह से पॉट में लगा लीजिए। तो दोनों तरीके से ये लग जाता है। अब इसकी वाटरिंग की बात मैं आपको बताऊं कि पानी जो है ना आप इसके अंदर कम देंगे, क्योंकि इसके जो ये टहनी आप देख रहे हैं ना, बहुत ही कोमल होती है, तो इसके गलने का जो है वो रहता है, तो ये गल जाती है। देखिए हाथ लगाने से भी टूट जाती है ये। तो आप इसको क्या करेंगे कि ज़्यादा पानी इसके अंदर कभी भी नहीं डालेंगे, हल्का, लेकिन हाँ इसको मॉइस्ट रखिए, आप इसको हमेशा मॉइस्ट रखिए अपने पौधे को, इसके ऊपर मिस्टिंग करते रहिए आप। कभी कभी
आप इसको भर के भी रख सकते हैं गमले को, लेकिन प्रतिदिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी दोस्तों नहीं डालना। तो दोस्तों ये बेहद खूबसूरत पौधा है, इस तरह से चाहे जितने मर्जी गमले आप बना लीजिए और अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं, अपने मित्रों को, परिवार में और किसी को भी दे सकते हैं, या अपने घर में एक से अनेक पौधे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के पौधों से मैं और मिलवाती रहूँगी। आप नर्सरी से भी इसे लेना चाहेंगे तो आप नर्सरी से एक छोटा पौधा ले लीजिए और फिर इसे अपने घर में लगा लीजिए। आप देखेंगे थोड़े दिन में ही आप भी इस लायक हो जाएंगे कि आप इस पौधे से एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैं आपको जो है अपने अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे और सुंदर पौधे से मिलवाऊँगी। आप मेरे वीडियोज़ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।